वॉज अबाउट, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो डिस्प्ले पिक्चर में बहुत, मतलब बहुत ही यंग लग रहे थे, वो काफ़ी पुरानी भी थी, आई थिंक फ्रॉम हिज मॉडलिंग डेज, आई थिंक इज 24 25, तो एंड देन द वॉइस डिड नॉट मैच द डिस्प्ले पिक्चर, बट ही वॉज लाइक आई वुड हैव आस्क, बट खुद ही उन्होंने बता दिया लाइक यू नो कि नहीं बाय द वे लाइक यू नो तुमसे ज़्यादा मैं वेटरन हूँ. बिलाली बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसने आपको इंस्पायर किया है रेहाम से? खुद ही ना इंसान में कोई ऐसी एक चीज़ आती है जी 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 जिससे आपको हाँ अट्रैक्ट किया फर्स्ट टाइम, हाँ क्योंकि आप एज भी इनसे छोटे हैं, हाँ अल्लाह ने आपको अच्छी पर्सनैलिटी भी दी है, उसके बाद भी आपको रेहाम पे आपका किस क्या नहीं, हुआ? बस मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि लड़की की हाइट जो है वो, ये भी होती है हमारे यहाँ वैसे लोगों ठीक की, है लेकिन मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. मुझे एक जो चीज़ अगर लाइक सीरियसली बताऊँ तो वो ये है कि कोई एक चीज़ है नहीं, एक डाइवर्सिटी है पर्सनैलिटी के अंदर, बिकॉज़ बहुत सारी खूबियाँ, मैं कोई सियासी जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा आपको लगे कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक इंटेलिजेंस है, फिर जैसे इसने शुरू बताया कि हमारी कम्युनिकेशन है आपस की, और आई मीन दिखने में भी आपको कोई अच्छा लग रहा हो और ऑल ऑफ दैट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, एंड शी हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स लाइक मल्टीपल एंगल्स टू हर पर्सनैलिटी, बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स रेड दैट फ्लैग्स के रिलेशनशिप में हैज आपके. अबाउट. रेड फ्लैग्स अभी तक होते तो फिर ये होती नहीं ना आगे, ये तो बड़ी कॉमन गलती है जो लोग करते हैं कि रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मतलब मटेरियलाइज हो जाएगा. रेड फ्लैग्स आपको नजर आए किसी को भी तो उनको चाहिए कि शुरू में एक लिटमस टेस्ट हो गया है, जब लोगों की अक्सर अब तो बातचीत हो जाती है शादी से पहले, तो रेड फ्लैग्स होते हैं शुरू में नजर आ जाते हैं, उस वक्त अच्छी तरह से डिसाइड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट. लेकिन इनके साथ तो है, शी इज आई थिंक डिफरेंट पर्सन नॉर्मल जो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स शी केयर्स अबाउट, शी इज आइडियलिस्टिक टू द पॉइंट कि मैं भी कभी कहता हूँ काफ़ी जो इसके हुआ है कि यार यहाँ पे नहीं होती इस तरह की चीज़ें, या ये तो पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसमें तो लोग, बट शी वॉन्ट्स टू, ये चाहती है कि किसी कोई इंटीरियर सिंध का इलाका है जहाँ कोई लोगों के पास पानी नहीं है, तो एक्चुअली जाके उनकी मदद करूँ. और मैंने पूछा बाकी में लाइक ऑनेस्टली, मैंने कहा कि यार कोई नहीं जा रहा वहाँ पे, जो मिनिस्टर हैं वो नहीं जा रहे, जो इलेक्टेड हैं वो नहीं जा रहे, तो ही फिर मैंने 2 दिन सोचा इस बारे में, मैंने कहा कि यार दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, अगर लोग नहीं करते एंड इफ शी इज द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू गो एंड डू दैट, तो वो इस टाइप की, लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कोई लोग हैं लेट्स सपोज इंटीरियर सिंध में, उनके पास पानी नहीं है और उनके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन अगर कोई जाके उनके लिए कुछ कर देता है तो दैट्स अ गुड थिंग. तो